Bismillahirrahmanirrahim. Directions on the directions of the additional IG sahab, DI sahab and SSP sahab, basically jo hamare thane hain unhone ek campaign start ki hui against the street criminals. Aur zyada tar hamara jo focus raha hua hai wo motorcycle chori aur motorcycle snatching. Basically jo hub tha hamara ek soldier bazar, brigade aur jamshed quarters, in teenon ka jo hub center point tha wahan pe ye snatching point aur motorcycle chori bahut zyada thi. रिसेंटली और इसमें हमने टारगेट किया हुआ था, हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे बंदे और हमने उनके पीछे रेट्स काफ़ी किए हुए थे एंड वी वर सक्सेसफुल. हमारे एसएचओ साहब और हमारी टीम जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स क्राइम की टीम है वो सक्सेसफुल रही है एंड दे कैप्चर टू गाइस, उमैर शेख और जमील जागीरानी. दोनों बंदे जो हैं वो इंटीरियर सिंध के रिहायशी हैं और यहाँ पे आते हैं, क्राइम करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं. तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो नोटिस लेना है, ये जो चोरी करते थे या चोरी करवाते थे वो तीन छोटे बच्चों से करवाते थे. वो छोटे बच्चों की आप उम्रें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, वो 8 साल 9 साल और 11 साल का बच्चा है. उनसे वो डांटते थे, उनको गालियाँ देते थे, उनको मारते थे, उनके साथ ज्याती भी उन्होंने की हुई है एंड उनके बाद फिर जाके उनसे मोटरसाइकिल चोरी करवाते थे. अगर ओवरऑल इनका हमने इंकशाफात दिए हुए हैं, इंकशाफात किए हुए हैं, तो ओवर 200 बाइक्स इन्होंने स्नैच और चोरी की हुई हैं और डिफरेंट इलाकों में से, सेंट्रल में से, ईस्ट में से, इवन वेस्ट के रीजन से भी उन्होंने काफ़ी की हुई हैं. जो हमने अभी तक रिकवरी की हुई है, इनिशियली हमारे पास 21 बाइकें रिकवर हो गई हैं और मज़ीद हम रिकवरी के थ्रू जा रहे हैं. एज लॉन्ग एज इन्होंने और बंदे दो आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो इनके साथी हैं, वो इस वक्त अंदरून सिंध भाग गए हैं, जिनके पीछे अभी हमारी टीमें रवाना हुई हुई हैं. इसमें मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, तो एसएचओ साहब का शुक्रगुजार हूँ और दूसरी हमारी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो टीम्स हैं जो अंदर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एसएसपी साहब चलते हैं, उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई शो की हुई है. बेसिकली इनके नीचे जो है वो बच्चे थे, छोटे से बच्चे हैं, वो 6 बच्चे हैं, 3 हमारे पास हम थे, उनके वालदेन को हमने बुला के उनको हैंड ओवर किए हुए हैं क्योंकि वो 8 साल और 9 साल के बच्चे थे, बट उनको हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के थ्रू लिया हुआ है. और दूसरा जो ये करते थे चोरी, उन्होंने अराउंड अभी तक इंकशाफात जो किए हुए हैं 200 से करीब इंकशाफात किए हुए हैं. और एरिया जो था सेंट्रल डोमिनेंट था, हमारा एरिया जो ईस्ट जमशेद वाला एरिया ये डोमिनेंट था, वेस्ट का कुछ पार्ट कभी कभी डोमिनेंट रहा है इनके पास. और जो ये बेचते हैं नॉर्मली, ये जो डिलीवर करते हैं ये रात को ट्रक पर चढ़ा के इसको बलूचिस्तान की साइड पर बेच देते हैं. हम बेसिकली अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रक वाले जो भी रात को ये लोड करते हैं सामान, जो देर देर से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, हम उनको चेक कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ऑन दी वॉच हैं. इस वक्त तो हमारी बाइक चोरी थोड़ी सी थम गई है बट होपफुली हम इसको ट्रैक कर लेंगे सोर्सेज को. हमारे पास आई थिंक 6 से 7 बाइकें जो हैं वो उनकी तो FIRs कटी हुई हैं डायरेक्ट, वो तो हमें आइडेंटिफाइड हैं. 4 बाइकें ऐसी हैं जो CPLC में रजिस्टर्ड थी, वो हम उनको भी बुला लेंगे. बाकी जो आई थिंक 10 से 11 बाइकें उनके अभी तक हमें मालकान नहीं मिले, वो हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं.